ऑथोराइज्ड हॉस्पिटल से ले। अगर हम ब्लैक मार्केटिंग से ज़्यादा पैसे लेकर भी देंगे और अगर हमें सेम टू सेम देखने वाला इंजेक्शन जो है वो अगर हमें गलत आ गया तो हम ना जान बचा पाएंगे ना कुछ कर पाएंगे। तो लोगों की मॉर्निंग नॉर्मल होती है, मेरी मेरी जो मॉर्निंग होती है उस मॉर्निंग में मेरे साथ होता है प्लूटो। अभी राडो को राडो आई थिंक बाहर गया है और बस अभी अभी थोड़ी टाइम अभी प्लूटो के साथ खेला जाएगा। क्या बोलता है प्लूटो, सबको गुड मॉर्निंग बोल दो। ए प्लूटिया, मेरी मॉर्निंग ओ प्लूटो, प्लूटो नो नो, प्लूटो पागल हो गया है। ए नो प्लूटो, कम है तुम, कम है तुम यारो। प्लूटो देखो मेरे पागल होता है, देखो प्लूटो। मिलते हैं दोस्तों थोड़ा फ्रेश होने के बाद। तो मॉर्निंग की जो मेरी शुरुआत होती है वो इन दोनों के साथ खेल के साथ होती है। ये तो बहुत खेलता है, ये प्लूटो तो आप लोगों ने देखा ही है। और ये हमारा है राडो, ये हमारा शांत बिल्ली है। ये जो है बहुत शांत है, हमारा कुछ भी नहीं करता है, कुछ भी नहीं करता, कितना भी इसके साथ मस्ती करो कुछ भी नहीं करता है। बस पूरे दिन सोते रहने का, सोते रहने का है, पूरे दिन सोते रहते हैं ना तू राडो है। ए राडो बोल, जवाब दे, जनता जवाब मांग रही है, जवाब मांग रही है ये जनता। तो दोस्तों गुड इवनिंग, और अभी मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट बात जो है वो बताना चाहता हूँ जो इन रिगार्ड्स टू ये जो कोविड है उसको डिफीट करने के बारे में है। मैंने कुछ चीज़ें जो है वो पढ़ी है और उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहली चीज़ तो जो मैं देख रहा हूँ कुछ व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर और कुछ स्टोरीज़ के अंदर, जहाँ पे जो ब्लैक मार्केटिंग है ड्रग्स और मेडिसिन का वो हो रहा है, और उस चीज़ में हमें बचने की ज़रूरत है। हम अगर कोई भी रेमडेसिविर का इंजेक्शन या कुछ भी ढूंढने जाते तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि हम ऑथोराइज्ड मेडिकल शॉप या तो ऑथोराइज्ड हॉस्पिटल से लें। अगर हम ब्लैक मार्केटिंग से ज़्यादा पैसे लेकर भी देंगे और अगर हमें सेम टू सेम देखने वाला इंजेक्शन जो है वो अगर हमें गलत आ गया तो हम ना जान बचा पाएंगे ना कुछ कर पाएंगे। तो सबसे पहले तो ये जो ब्लैक मार्केटिंग है वो स्टॉप होना चाहिए, और जो ब्लैक मार्केटिंग वाले हैं उनको भी मैं बोलना चाहता हूँ कि ये पैसे जो है लोग यहाँ पे मर रहे हैं और ऐसे पैसों में आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो आपको ये जो ब्लैक मार्केटिंग है वो नहीं करना चाहिए। और रही बात कुछ और टॉपिक्स की, तो दूसरा टॉपिक ये है कि गाइस ये जो मेडिसिन होती है, ये जो इंजेक्शंस होते हैं उसके अंदर स्टीरोइड्स होता है, और उसके हिसाब से जो आपका ब्लड शुगर है वो भी स्पाइक हो सकता है। तो बहुत सारे सिचुएशंस है जिसके अंदर ऐसा देखा जाता है कि ये जो ड्रग्स है उसके लेने के बाद आपको शुगर है या नहीं है तो भी जो शुगर का जो है लेवल उसके अंदर स्पाइक होता है। तो आप मेक श्योर करें कि इवन जब कोरोना का केयर चल रहा है तब आप शुगर का भी एक दो टेस्टिंग जो है वो करवा के रखें, जिसकी वजह से आपको पता चले कि शुगर लेवल आपका नॉर्मल है कि नहीं है, क्योंकि जनरली ये शुगर लेवल जो है वो स्पाइक होता है और जिन लोगों को शुगर है उन लोगों को तो बहुत ही अटेंशन में रहने की ज़रूरत है। उसके साथ साथ अगर मैं आपको तीसरी कोई चीज़ बताऊँ तो वो ये है कि आप पैनिक मत करो। आप इनफ, मतलब कि जो पानी है उसको आप लो, इनफ पानी पियो, और वाटर का जो इंटेक है वो आपका बढ़ा दो, क्योंकि ऐसे सिचुएशन में डिहाइड्रेशन बहुत ही जल्दी से होता है, क्योंकि जो मेडिसिन होती है वो आपके बॉडी का जो भी वाटर होता है वो पूरा सोख लेती है। तो उसकी वजह से जो आपका जो ये हाइड्रेशन है वो मेंटेन करने के लिए आपको पानी पीते रहना चाहिए, जूसेस पीते रहने चाहिए। नारियल पानी इज़ द बेस्ट फॉर द इम्यून
इम्यूनिटी एज वेल। तो अगर ये सब चीज़ें हैं तो आप पीते रहो, कुछ ना कुछ खाते रहो, क्योंकि गाइस ये बहुत भारी वाली मेडिसिन होती है, और उसमें अगर आप खाना बाना स्टॉप कर दोगे तो वो जो रिएक्ट है वो नहीं कर पाएगी। तीसरी चीज़ है कि आप जो रिपोर्ट्स है वो रिपोर्ट्स जो है वो हर 2 दिन में 3 दिन में जो रिपोर्ट्स है वो निकलवाते रहो, आपका सिचुएशन कैसा है उसको देखने के लिए। और उसके अंदर जो मेन रिपोर्ट है वो मतलब सब लोग सीटी स्कैन करवाते हैं, सब लोग दूसरा रिपोर्ट निकलवाते हैं, लेकिन जो सीआरपी रिपोर्ट है, जो सी रिएक्टिव प्रोटीन जो रिपोर्ट है, वो स्कोर हमें पता करेगा कि हमारे जो इम्यून सेल्स है वो फाइट कर रहे हैं नहीं कर रहे, किस तरीके का सिचुएशन है, वो स्कोर से हमें पता चलेगा। मैं आपको इतना डिटेल में नहीं बता सकता, लेकिन वो रिपोर्ट जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो वो भी आप एक बार देखते रहिए। उसके बाद की जो बात है वो ये है कि ऑक्सीजन के जो लेवल्स है उसको आप मेजर करते रहिए हर 4-5 घंटे के अंदर। जहाँ पे आपका जो 95% तक जाता है तो आपको मेक श्योर करना है कि आप उल्टे पेट पर सो जाओ, तो उसकी वजह से आपका जो ऑक्सीजन फ्लो है वो थोड़ा और बेटर हो जाएगा। अगर 95 to 92 है तो भी आपको वही चीज़ को रिपीट करने का है और हर 2 घंटे में चेक करने का है। और अगर आपका जो लेवल है वो 90 से भी नीचे जाता है तो फिर आपको जो हॉस्पिटल है उसके अंदर आपको देखना चाहिए, तो होम मतलब घर के अंदर अगर ऑक्सीजन अवेलेबल हो जाता है तो उसका अरेंजमेंट करना चाहिए। तो ये जो चीज़ें हैं वो आपको ध्यान में रखनी चाहिए अगर आपको कोरोना को डिफीट करना है। अगेन मेरा से भी यही मैसेज रहेगा कि पैनिक ना करें, इनफ स्लीप ले और अच्छा खाना खाए, और साथ में मिलकर हम सब लोग साथ में मिलकर इस कोरोना को जो है वो हम डिफीट कर सकते हैं। और मेन लास्ट बट नॉट लीस्ट वैक्सीनेशन जो है वो जरूर से करिए गाइस। वैक्सीनेशन अगर हम बढ़ाएंगे तो ऑटोमेटिकली हम ये जो कोरोना है उसको हम रोकते बचाएंगे। लेकिन 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 इम्पोर्टेंट ये है कि अगर आप वैक्सीन ले रहे हो तो मेक श्योर करना कि आपको कोरोना अगर हो गया है तो थोड़े टाइम के बाद ले सकते हो। अगर आपको एक्चुअली में कोरोना के सिम्टम्स दिख रहे हैं तो आप प्लीज़ मेहरबानी करके जो वैक्सीन है उसको मत लो, क्योंकि ऑलरेडी आप कोरोना आपके बॉडी के अंदर है और आपके इम्यून सेल्स वो फाइट कर रहे हैं। सो वो सब चीज़ों का ध्यान दो। बाकी के जो लोग हैं वो वैक्सीनेशन कर सकते हैं। आज से वैक्सीनेशन का जो रजिस्ट्रेशन है वो शुरू हो गया है, तो अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है तो इस तरीके से आप आरोग्य सेतु ऐप के अंदर जाओ। ऐप के अंदर जाने के बाद आप अपना मोबाइल नंबर एंटर करो, आपको एक ओटीपी आएगा, ओटीपी आप एंटर करो, उसके बाद आपको आपका जो आधार कार्ड है उसका नंबर सिलेक्ट करना है और बाकी की जो डिटेल्स है वो भर के ऑन स्क्रीन जो चीज़ें हैं उसको भरकर आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। और बस इसी तरीके से आप वैक्सीनेशन सबसे पहले करवाओ, और बस लेट्स प्रे दैट जो भी चीज़ें हो रही है वो जल्दी से ठीक हो जाए और वी बैक टू द नॉर्मल लाइफ। थैंक यू। आप देखो ये पवन जो है वो बहुत ही जोरों से वो हो रहा है, और मतलब मेरे पीछे आप जो क्लाउड्स है वो देख सकते हो, बहुत ही काले काले क्लाउड्स, जो बिजली हो रही है और यहाँ पे धुआं बहुत जोरों से हो रहा है। आई थिंक बारिश भी आना शुरू हो गई है, तो सब चीज़ें जो है वो अभी अंदर लेनी पड़ेगी। एक कूलर भी गिर गया, तो अभी ये सब चीज़ें अंदर ले लेते हैं और फिर आपसे बात करते हैं। Make everything